बिलासपुर में कर्मचारी संगठन एनजीओ फेडरेशन का राज्य स्तरीय साधारण अधिवेशन का आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर में कर्मचारी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस अवसर पर एनजीओ फेडरेशन के प्रदेश प्रवक्ता विनोद कुमार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के आधार पर हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के हित में 7वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग उठाई है। बिलासपुर में कर्मचारी संगठन एनजीओ फेडरेशन का राज्य स्तरीय साधारण अधिवेशन का आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से कर्मचारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस अवसर पर एनजीओ फेडरेशन के प्रदेश प्रवक्ता विनोद कुमार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के आधार पर हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के हित में 7वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग उठाई। उन्होंने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को पंजाब राज्य पर आधारित वेतन व भत्तों की अपेक्षा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के आधार पर हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के हित में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की वर्तमान समय की पुकार है। उन्होंने मांग की है कि प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार से आग्रह किया कि शीघ्र कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ का आज 3 वर्ष के लिए चुनाव होगा, उसको लेकर आज एक आम सभा का यहाँ बिलासपुर किसान भवन में आयोजन हुआ है। और इस चुनाव और बैठक के हिस्सा लेने के लिए पूरे प्रदेश के कोने कोने से पांगी, लाहौल स्पीति, काजा, सिलाई, कांगड़ा के लगभग 11 जिले ने हिस्सा ले रहे हैं। और उसके अतिरिक्त लगभग 70 डिपार्टमेंटल एसोसिएशन ने हिस्सा लिया है। और आज इस हाउस के अंदर 500 से ऊपर से अधिक कर्मचारी उपस्थित हुए हैं। एक बड़ा दिनों से प्रश्न चला है कर्मचारियों को गुमराह करने का कि महासंघ के नाम पर कुछ राजनीति चली हुई है, और उसको लेकर जो भ्रम की स्थिति कुछ कर्मचारी नेता अपने स्वार्थ के लिए गुटों में बांट कर रहे हैं, उसका जवाब आज बिलासपुर के इस धरती पर कर्मचारियों ने सबको दिया है। और आज सरकार को भी सीधा सा संदेश है कि महासंघ की राजनीति में उलझकर सरकार ऐसा ना करे कि जो कर्मचारियों का बहुमत है उसकी अनदेखी। इस प्रकार से जयराम सरकार ने अभी हाल ही में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को खत्म किया है, उसको लेकर भी प्रस्ताव पास होगा। और उसके साथ साथ कर्मचारियों का सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय में जो है वो 7th पे कमीशन की रिपोर्ट है, केंद्रीय वेतन मान आयोग। देखिए 2016 में रिपोर्ट आई है और अभी तक सरकार ने उस पर कार्रवाई इसलिए नहीं कर पाई है कि कर्मचारी पूर्व में हम लोग पंजाब से संबंध थे, परंतु आज पंजाब की स्थिति कुछ अदरवाइज है। जब पे स्केल पंजाब का हुआ था और आज की स्थितियाँ अलग अलग है, तो आज हम प्रदेश के कर्मचारियों से भी आग्रह करेंगे कि हम क्यों ना अब इस पर लंबा जाएं और 7th पे कमीशन की रिपोर्ट लाकर सरकार पर दबाव बनाएं। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।